मंत्री तुलसी सिलावट के बाद राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में मां बगलामुखी और वन खंडेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। इस दौरान गोविंद सिंह ने कहा कि अब कोरोना कंट्रोल में है, माई की कृपा से देश में तीसरी लहर न आए, इसकी प्रार्थना करता हूँ। राजस्व एवं परिवहन मंत्री और भिंड जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भिंड जिले में योजना समिति की बैठक के बाद दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी और वन खंडेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। दतिया आगमन पर स्थानीय भाजपा नेताओं और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने गोविंद सिंह राजपूत का स्वागत किया। इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अब कोरोना कंट्रोल में है, माई की कृपा से देश में तीसरी लहर ना आए, इसकी प्रार्थना करता हूं। वहीं महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना से अपने देश की ही नहीं बल्कि हर देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। धीरे धीरे सभी देश प्रयास कर रहे हैं और आगे स्थिति में सुधार होगा। मैं भिंड जिले के दौरे पे आया था एज ए प्रभारी मंत्री। कल हमारा वहाँ योजना समिति की बैठक थी। माँ की कृपा से आज माँ के दर्शन हुए और पीताम्बरा माँ की कृपा से आज मध्य प्रदेश में कोरोना महाबीमारी खत्म होने की कगार पर है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब तीसरी लहर हमारे मध्य प्रदेश में ना आए, सब पर कृपा बनी रहे। और ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, मैं आकर यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और आशीर्वाद दिया। फिर देश में महंगाई का मुद्दा उठा हुआ है, पेट्रोल पदार्थों में वृद्धि है, महंगाई है, क्या कहेंगे? ये कोरोना महाबीमारी के इससे पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और इस इतनी बड़ी महाबीमारी कल्पना किसी भी व्यक्ति ने नहीं की थी। अब स्थितियां सुधर रही हैं तो बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है और बहुत कुछ कंट्रोल होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।